preparations of alkanes. Phosphates from unsaturated hydrocarbons. ये ऐसे hydrocarbons है जिनमें कार्बन की valencies fully satisfied नहीं रहती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन की valency fully satisfied है या नहीं? तो जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेंगे valencies of carbon are fully satisfied, जहां कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे वहां कार्बन की valencies fully satisfied नहीं रहेगी। therefore examples of unsaturated hydrocarbons are alkenes and alkynes। aromatic hydrocarbons भी इसी क्लास को बिलोंग करता है। अब यहां सबसे पहले हम alkenes को कंसीडर करते जिनका रिप्रेजेंटेशन CnH2n। इन्हें हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ। कैटलिस्ट यूज करेंगे प्लैटिनम और पैलेडियम और रेनेनिकेल। इनको हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। अब यहां इनको अगर हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा, और अगर हम फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करते हैं एज कैटलिस्ट तो टेम्परेचर 473 to 573 केल्विन यूज करना पड़ेगा। मींस वी हैव टू यूज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। इफ वी कैरी आउट दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल देन it is known as Sabatier Sandin reaction। Sandin reaction। अगर हम इस रिएक्शन को फाइनली डिवाइडेड निकल के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं तो रिएक्शन का नाम आपको याद रखना है सैबेटियर सैंडन रिएक्शन, इसे कहा जाता है। अब ये दो हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे तो मिलेगा CnH2n। दो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद यहां प्लस 2 रहेगा एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ये रहेगा अल्केन। Therefore, alkene on heating with hydrogen gas in presence of platinum, palladium, rhenium, nickel or finely divided anion as catalyst, alkene is obtained. Example लेंगे alkenes के हम, कौन से CH2 double bond CH2, what is the name? Ethene। इसे हम heat करेंगे with hydrogen gas। अब product कौन सा बनेगा? इनमें से कोई भी हम यहाँ use करेंगे तो एक hydrogen यहाँ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा CH2 प्लस HCH3 होता है, यहां पे भी रहेगा CH3। अब दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, देयरफॉर डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज द नेम? इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे प्रोपीन। फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस के साथ हम हीट करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन यहां पे, सो दैट CH प्लस H बनेगा CH2, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे CH2 प्लस H होगा CH3, डबल कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, दिस इज प्रोपेन। Then next reaction is of alkyne। General representation क्या रहेगा alkynes का? CnH2n-2 plus यहाँ 2H, most of H2 required है। Condition same रहेगा। Product किस प्रकार से मिलेगा? CnH2n+2 alkene, यहाँ रहेगा alkyne। इस प्रकार से अल्काइन को भी हम अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्काइन का एग्जांपल लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर? दो हाइड्रोजन यहां ऐड होंगे CH3। दोनों कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का रूपांतर सिंगल बॉन्ड में होगा, दिस इज इथेन, दिस इज एसिटिलीन, और बेटर वे IPCN हम यूज करते हैं इसका इथाइन। इन दिस वे इथाइन ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ
catalyst gives ethane. In this way, you can prepare any alkene from either alkenes or alkynes. Thank you.